क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 11 10 मतलब सेम है और 12 और 13 सेम है। जैसा कि आपका जो क्वेश्चन है उस सेम ऐसी है, सिर्फ x की जगह 5x आ जाएगा और हमारे पास बाकी क्वेश्चन ऐसे देखिए क्यूब ऑन बोथ साइड, ये हमारे पास क्यूब ले लिया गया, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट इनटू सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू 216। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। 5 को 3 टाइम करेंगे 125, 5 को 3 टाइम 125, 3 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5x माइनस 1 और 5x की जगह क्या पुट करेंगे 6, 3 6 का 18। अब माइनस 18 है तो आफ्टर इक्वल साइन क्या हो जाएगा प्लस 18। अब ये दोनों चूंकि वैल्यू प्लस हो चुकी है तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 234। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये बोर्ड में बहुत दफा आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक साथ लिख ले और इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई। देखिए बेटा मैथ का रूल है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। इस वैल्यू को आप एज इट इज ऐसे ही लिख ले। अब जैसा कि आपको शक्ल में नजर आ रहा है कि दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को आप इसमें से कॉमन ले लें, जब इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लिया जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से जब आप एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे वाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस वन। तो यही बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, आपने जब यहाँ से एक्स माइनस वन कॉमन लेना है तो बास स्टूडेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, बास जो है यहाँ पर जीरो लगा देते हैं तो वो गलत है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा वन आएगा माइनस वन। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब इसी का ही हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास 8 है तो 2x रेस टू पावर 3 माइनस 1 ओवर 3 y रेस टू पावर 3, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब का। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी फार्मूला पढ़ा है कि x माइनस y होल क्यूब सॉरी x क्यूब माइनस y क्यूब किसके इक्वल है x माइनस y फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। जब माइनस आएगा तो प्लस प्लस आता है और जब प्लस आएगा तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। जी, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब, तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इस वैल्यू को आप एज इट इज लिख लें, 2 to the 4, क्योंकि ये कटिंग नहीं होती तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ओवर 3y प्लस 3 रेस टू पावर 2 9 और y स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसके टोटल हमारे पास 4 पार्ट है जिसमें 2 पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2 पार्ट आप बुक करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स फोर माइनस एक्स टू प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बेटा, ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला ही है, जरा हमने इस फॉर्मूले को अब क्लोज करना है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप एज इट इज लिखे, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू इसकी स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो जरा गौर फरमाएं कि हमारे पास जो क्वेश्चन का फार्मूला है वो x प्लस y x स्क्वायर माइनस x y प्लस y स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है x क्यूब माइनस y क्यूब का, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले को x माइनस वाई है, अब देखें यहां पर x की पावर 1 है यहां पर y की पावर 1 है लेकिन यहां पर x की पावर 2 थी। अब इस फॉर्मूले को इसके देखें x माइनस वाई x स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैं बंद करने लगा
x का क्यूब है तो यहां पे x हमारे पास क्या है x2 इसका क्यूब आ जाएगा प्लस यहां पे y का क्यूब है तो यहां पे y क्या है y स्क्वायर तो इसका क्यूब आ जाएगा तो सेम यहां पे जो x y था तो x का क्यूब और y का क्यूब आ गया अब यहां पर x y की जगह x स्क्वायर है और y स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर का क्यूब और y स्क्वायर का क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें देखिए बेटा ये x माइनस वाली वैल्यू है और ये प्लस वाली है मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हमारे पास माइनस आ जाएगा तो दोनों वैल्यू प्लस प्लस होगी और जब प्लस आएगा तो एक में माइनस और एक में प्लस होगा अब फार्मूले को कंबाइन कर देते हैं 2x माइनस 1 के साथ हम प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं और प्लस के साथ माइनस वाली वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जी बेटा ये हमारे पास आ गया माइनस के साथ प्लस वाली वैल्यू और प्लस के साथ माइनस वाली वैल्यू सेम ऐसे हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे अब फार्मूले में ये देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे x plus y था यहां पे x की जगह आ गया 2x square और y की जगह आ गया 1 फार्मूला वही है अब हमने क्या करना है फर्स्ट इस फार्मूले को कंप्लीट करते हैं इसको एज इट इज लिख लें ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इस फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में लिखा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर अब देखिए बेटा ये हमारा माइनस का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया प्लस वाली वैल्यू इसको ऐसे लिखें और इसका फॉर्मूला अब आपने कंप्लीट करना है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करता हूं 2 का पावर 2 लेंगे 4 2 टू द 4 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा तो मैंने इसी फार्मूले को बंद कर दिया इस फार्मूले से तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर अब ये मैंने फार्मूला बंद कर मैं इसको बंद करने लगा हूं फार्मूले को कैसे बंद करेंगे फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब ये चीज ये हमारे पास आ जाएगी इसको बंद करें फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 3 द 6 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा 2 रेस पावर 3 8 2 3 द 6 प्लस 1 अब देखिए बेटा यहां पे हमारे पास एक और फार्मूला बन गया है a प्लस b और a माइनस बी का ये हमारे पास आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो 8 रेस्ट पावर 2 क्या होगा 64 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो यहां पे बेटा आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरीके से करना है जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप बरकत इंशाल्लाह हम 4.3 स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच